तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में हमारी दुनिया बहुत ही आगे जा चुकी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे कि भविष्य में ऐसा क्या होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इन 5 फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है ट्रांसपेरेंट एयरप्लेन। जी हाँ, आपने सही सुना है। यूरोपीय मैन्युफैक्चरर एयरबस की इंजीनियर्स अपने यात्रियों की बोरिंग फ्लाइट को रोमांचक बनाने की कोशिश में लगी है और यह एक ट्रांसपेरेंट एरोप्लेन बनाकर ऐसा करने वाले हैं, जिसमें बैठे यात्री उड़ते समय बाहर का नजारा खुलेआम देख सकते हैं। यह प्लेन पूरी तरह से पारदर्शी होगा, जो कि रात में हवाई सफर कर रहे यात्रियों को तारे गिनने की आजादी देगा। मतलब कि कुछ लोगों के लिए यह खबर रोमांचक है तो कुछ लोगों के लिए डरा देने वाली, क्योंकि तो जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है वह इसे देखकर डर सकते हैं। अतः इस हवाई जहाज में मनोरंजन के कई साधन भी होंगे, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी गेम्स और बार। दूसरे नंबर पर है सेल्फ गाइडिंग बुलेट्स। भविष्य में आपको यह देखने को मिलने वाली है। यह ऐसी गोलियां हैं जो अपने टारगेट के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगी। दरअसल खबरों के मुताबिक यूएसए मिलिट्री ने वर्तमान समय में ऐसी गोली बनाने में एक हद तक सफलता प्राप्त कर चुकी है, जो कि बेहद स्मार्ट है। इतनी स्मार्ट यह गोली दीवार के पीछे खड़े इंसान को भी भून सकती है। यह हवा में जाएगी और अपने टारगेट को घूमकर भी हिट कर देगी, यानी इसके आने के बाद इंसानों का मौत से छुपना नामुमकिन होगा। तीसरे नंबर पर है टाइटैनिक 2। कि आप भी उसी तरह के जहाज में सफर करना चाहते हैं जो एक भयानक हादसे का शिकार हुआ था और जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक जहाज की। 1912 में इस जहाज के डूबने के बाद 110 साल बाद अब 2022 में टाइटैनिक 2 फिर से समंदर की लहरों से टकराएगा। टाइटैनिक 2 का निर्माण ऑस्ट्रेलिया कंपनी ब्लू स्टार लाइन द्वारा चीन में किया जा रहा है। टाइटैनिक 2 पुराने टाइटैनिक की हूबहू कॉपी होगा और यह जब पानी में उतरेगा तो पुराने टाइटैनिक की याद दिलाएगा। डेली मेल की खबर के मुताबिक 2022 में यह समुद्री जहाज उसी रास्ते से चलेगा जिस रास्ते पर चलते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इतना ही नहीं, इस जहाज में भी उतने ही यात्री होंगे जितना पहले वाले जहाज में थे। तो क्या आप भी इसे सफर करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चौथे नंबर पर है 3D प्रिंटिंग ऑर्गन्स। वैज्ञानिकों ने ऐसी 3D प्रिंटिंग तकनीक खोजी है जिसकी मदद से आपके शरीर के लिए नकली अंग, या यूं ही कहें कि नए अंग बना सकती है, जैसे कि इंसान की किडनी, आंखें या दिल। इन अंगों के जरिए वैज्ञानिक खराब हो चुके टिश्यूज को फिर से तैयार कर सकेंगे। फिलहाल वैज्ञानिक इस तकनीक को पूरी तरह से संरक्षित करने में लगे हुए हैं। अगर ऐसा हो गया तो वैज्ञानिकों के लिए यह काफी मददगार होगा, क्योंकि इससे वह सभी तरह के प्रयोग आसानी से कर पाएंगे जिसके लिए जिंदा अंगों की जरूरत होती है। उसके साथ ही तमाम तरह के मेडिकल प्रयोग में जानवरों के इस्तेमाल भी कम होंगे। पांचवें नंबर पर है मॉल ऑफ द वर्ल्ड। दुबई में जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनने वाला है। तकरीबन 80 लाख वर्ग फुट में बन रहा है, यानी यह मॉल फुटबॉल के 100 ग्राउंड के बराबर होगा। खबरों के मुताबिक इस मॉल को बनाने की लागत 14,000 करोड़ रुपए होगी, जिसे भविष्य के ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसकी सबसे खास बात तो यह होगी कि यह मॉल पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसमें थीम पार्क, फन थिएटर और मेडिकल सुविधाओं के समेत 100 होटल और 20,000 कमरों में बिल्डिंग अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स में 7 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए रास्ता होगा, जो गर्मी के मौसम में ऊपर से बंद रहेगा और एयर कंडीशनर के इस्तेमाल से ठंडा रहेगा, और सर्दियों के मौसम में यह ऊपर से खोला जाएगा। इसके निर्माण को पूरा होने के बाद हर साल यहाँ 10 करोड़ लोगों के आने की अनुमान है। दोस्तों, यह थी कुछ
फ्यूचर प्लान टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।